अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। अच्छा, एक चीज आप सब लोगों को बतानी है यार। टेस्ट में मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज डाला था कि मैंने टेस्ट में सिलेबस थोड़ा चेंज किया है। बगैर न्यूमेरिकल के यार पेपर ठीक नहीं बन रहा था, तो अब मैंने कल आपको न्यूमेरिकल कराए थे, परसों भी कराए थे और आज भी करा रहा हूँ। तो आप जरा ये नोट कर लें कि बुक का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक जो है वो टेस्ट में शामिल होंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11। तो मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 10 तक तो करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको अभी करा रहा हूं। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक ये न्यूमेरिकल टेस्ट में शामिल होंगे, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दिया है। ठीक है जी, ठीक है। टेस्ट आप देख लीजिएगा, वो जब आप पेपर आपके सामने आएगा, बस 1 घंटे का होगा, तो उसमें न्यूमेरिकल भी मैंने ऐड कर दिए हैं, तो ये मुश्किल कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इनको आप जरा कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है। अच्छा, कल हमारी जो क्लास एंड हुई थी, तो कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 10 की जो स्लाइड आपके सामने लगी हुई है। अब आज हम कर रहे हैं, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है जी, जो आराम से हम आगे चलेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, तो इसको जरा समझ लेते हैं। पहले पहली बात तो ये समझ लें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और ये है बड़ा आसान, जरा इसको देख लीजिए। द लो टेम्परेचर रिजर्वायर ऑफ अ कार्नो इंजन is at 7 centigrade and has an efficiency of 40%. It is desired to increase the efficiency up to 50% by how much degrees the temperature of hot reservoir be increased. अब वो कह रहे हैं कि कार्नो इंजन है, उसका जो कोल्ड रिजर्वायर है, कोल्ड रिजर्वायर का मतलब क्या है, सिंक। सिंक का जो टेम्परेचर है वो 7 centigrade है। ठीक है जी, इसको अगर आप केल्विन में लाएंगे, सिंक का टेम्परेचर देखो क्या होता है, T2, वो 7 centigrade है, इसको केल्विन में लाएंगे तो 280 केल्विन बनेगा। और वो कहते हैं कि उसकी एफिशिएंसी 40% है, और हम एफिशिएंसी को बढ़ाकर 50% में ले जाना चाहते हैं, तो हम उसके सोर्स के टेम्परेचर को कितना बढ़ाएं कि एफिशिएंसी 50 पे चली जाए। तो हमें इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स निकालना है, तो सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है। तो जब आप T1 का इंक्रीज देखेंगे तो वो Δt1 हो जाएगा, तो हमें Δt1 फाइंड करना है। और सिंक के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब है कि सिंक को चेंज नहीं करना, ये वैसे ही रहेगा। अब आप जरा एक बात सुन लीजिए कि किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के दो तरीके। पहला तरीका यह है कि उसके सिंक के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखा जाए और सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आमिर अली बेटा कैमरा बंद कर दो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि सोर्स के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और सिंक के टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, तो इस तरह भी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब ये जो न्यूमेरिकल है, ये बुक का आखिरी सवाल है। बुक में टोटल 11 सवाल है, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स ये बात सुन लें कि ये सवाल काफी कम है। इन 11 सवालों को करके अगर आप चले जाएंगे पेपर में तो फंस जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको इस चैप्टर में ये जो बुक के 11 सवाल हैं, इनके अलावा भी एग्जांपल्स भी कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी कराऊंगा जो पिछले 10 ईयर से मैंने लिए होंगे, तो वो सारे करने के बाद फिर इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना कवर होगा। तो जब मैं आपको एक्स्ट्रा सवाल कराऊंगा पेपर्स के, पास्ट पेपर्स के, तो आप देखेंगे कि उसमें ऐसा न्यूमेरिकल भी आया है कि जिसमें ये कहा है कि भाई एक हीट इंजन की एफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके सिंक के टेम्परेचर को हमें कितना कम करना पड़ेगा। ठीक है जी, ऐसा भी क्वेश्चन आया है। लेकिन एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट। ठीक है जी, तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन भी मैं आपको आगे कराऊंगा जिसमें यह कहा जाएगा कि भाई सिंक के टेम्परेचर को कितना कम करना है। ठीक है, लेकिन अभी हम इस सवाल की बात करते हैं। तो इस सवाल में यह कहा गया है कि हमें इस हीट इंजन की एफिशिएंसी को 40% से बढ़ा के 50 पे ले जाना है, तो हमें सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना होगा, तो सिंक का कॉन्स्टेंट रहेगा।
अच्छा इस क्वेश्चन को करने का तरीका बड़ा सिंपल है। हम ये करेंगे कि इस क्वेश्चन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला दो दफा अप्लाई करेंगे। पहली दफा हम एफिशिएंसी 40 पुट करेंगे और सिंक का टेम्परेचर 280 रखेंगे और सोर्स का निकाल लेंगे कितना आ रहा है। फिर दोबारा हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाएंगे और उसमें एफिशिएंसी को हम 50 रख देंगे और फिर दोबारा हम सोर्स का टेम्परेचर निकाल लेंगे कि भाई कितना आ रहा है, तो हमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और दोनों दफा हम जो सिंक का टेम्परेचर है वो 280 रखेंगे क्योंकि वो चेंज करने के लिए बोल नहीं रहा है। तो अब आप देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर 40% एफिशिएंसी। तो आप देखिए मैंने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, इसमें देखें T2 मैंने रखा 280, एफिशिएंसी रखी मैंने 40, ठीक है जी। 100 को इधर ले जाओ, ये डिवाइड हो गया, तो ये डिवाइड होके हो गया 0.4 और ये माइनस का जो 280 अपॉन T1 है इसे लेफ्ट पे ले आओ, ये प्लस का हो गया, इधर आपका ये 1 रह गया। अब आप 0.4 को राइट पर लाओ, ये माइनस का हो गया, तो 1 में से माइनस करोगे 0.4 तो ये बचेगा 0.6 और ये क्या है 280 अपॉन T1, तो इधर से T1 चला जाएगा इधर और ये इधर आ जाएगा, तो ये आपका जो T1 है ये आपका आ जाएगा 466.6 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया एक दफा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो उसके बाद हमने दोबारा हमने एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, दोबारा हमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया, दोबारा हमने देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाया यहां पर, और अब हमने एफिशिएंसी कितनी रखी है, अब हमने देखो एफिशिएंसी रख दी 50 और आप देखो कि जो सिंक का टेम्परेचर है वो हमने वही 280 रखा, ठीक है। और T1 को जरा चेंज दिखाने के लिए T1 डैश कर दिया। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लो जैसे पिछला वाला किया था, ठीक है ना। ये 100 इधर ले जाओ, डिवाइड हो गया, ये 0.5 हो गया, फिर माइनस 280 अपॉन T1 डैश को इधर ले आओ, ये प्लस हो गया, फिर 0.5 को यहाँ ले जाओ। इस तरह आपने जैसे पिछला सॉल्व किया था वैसे ही आप इसको सॉल्व करो, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका T1 डैश आ गया 560। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर एफिशिएंसी 50% है और सिंक का टेम्परेचर वही 280 है तो फिर सोर्स का टेम्परेचर 560 होना चाहिए। और पहले क्या आ रहा था कि अगर एफिशिएंसी 40% है तो फिर सिंक का टेम्परेचर 466.6 होना चाहिए। तो इट मींस कि अगर आपको एफिशिएंसी को 40 से 50 पे ले जाना है तो सोर्स के टेम्परेचर को 466.6 केल्विन से 560 केल्विन पर ले जाना पड़ेगा। तो जो डेल्टा T1 होगा 560 में से इसे माइनस करो, तो इसका मतलब है कि 93.4 केल्विन जो है आपको सोर्स का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो आपकी एफिशिएंसी जो हीट इंजन की है वो 40% से 50 पे चली जाएगी, ठीक है जी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आप दोबारा स्लाइड पे आ जाएं, यहां से आप इसको करें इसको।
हाँ भाई, कुछ लोगों के कहने पर मैंने पिछली स्लाइड दोबारा लगा दी है। अब मुझे बता दें आगे जाऊं या रुक जाऊं यहीं पर? ठीक है, आगे चले जाएं। कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने? कोई रह गया तो बता दो वरना मैं आगे चलता हूं। अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुक में टोटल 11 सवाल है वो तो हो गए, अब एग्जांपल्स पे आ जाएं। इसकी एग्जांपल भी हमें करनी होगी और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है जी, एग्जांपल 11.1 आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल। अ स्टील रॉड हैज अ लेंथ ऑफ 10 मीटर एट 25 सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इंक्रीज इन लेंथ एट 35 सेंटीग्रेड। स्टील रॉड है, इनिशियल लेंथ उसकी 10 मीटर है, इनिशियल टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है और 25 से 35 सेंटीग्रेड तक हीट करना है, तो इसका मतलब है इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है वो 10 सेंटीग्रेड का होगा। और स्टील का अल्फा दिया हुआ है, तो इंक्रीज इन लेंथ निकालना है, डेल्टा निकालना है। सिंपल अल्फा का फॉर्मूला लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये यहाँ तीनों चीजें रखें, मल्टीप्लाई करें, ये डेल्टा आ जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसे आप कर लीजिए, कोई मसला इसमें इंशाल्लाह नहीं होगा। हाँ भाई, कर लिया आप लोगों ने?
अच्छा भाई, अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 11.2। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको समझ लीजिए। हाँ भाई, इधर देखिए, एन एयर स्टोरेज टैंक कंटेन्स 3 kg एयर। एक टैंक है, उसमें 3 किलो हवा मौजूद है। एट अ प्रेशर ऑफ 18 atm, 18 एटमोस्फेयर का प्रेशर है, एंड वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 112 लीटर। 112 लीटर जो है वो टैंक का वॉल्यूम है। तो एक बात ये ध्यान में रखिएगा, एक बात ये ध्यान में रखिएगा कि जो टैंक होता है उसका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे सिलेंडर होता है तो उसमें तो पिस्टन लगा होता है, तो पिस्टन ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, तो वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है। लेकिन टैंक जो है वो एक कंटेनर होता है इस तरह का, चारों तरफ से बंद, बस उसमें एक नोजल होता है, वहां से गैस आ सकती है उसमें, लेकिन वॉल्यूम उसका चेंज नहीं हो सकता। तो जब भी बोलेंगे टैंक, तो टैंक का मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, V1 is equal to V2 equal to 112 लीटर, तो वॉल्यूम इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो एक टैंक है, उसमें 3 किलोग्राम एयर मौजूद है और प्रेशर उसका 18 एटमोस्फेयर है और 112 लीटर टैंक का वॉल्यूम है। अब ये कहते हैं कि हाउ मच एयर वुड हैव टू बी फोर्स्ड इनटू द टैंक टू इंक्रीज द प्रेशर 221 atm, यानी उस टैंक में और कितनी हवा डाली जाए कि प्रेशर बढ़कर 21 एटमोस्फेयर हो जाए। क्योंकि जब टैंक में हवा बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ कोलिशन बढ़ जाएगा, तो फिर गैस ज्यादा प्रेशर लगाएंगे। ठीक है जी, तो अगर किसी गैस का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहे और आप गैस का मास बढ़ा दें तो फिर प्रेशर बढ़ जाता है। और वो बोलते हैं इसमें, इसमें कह रहे हैं कि जी, इसमें वो कह रहे हैं कि अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो दो चीजें यहां पे कांस्टेंट रहेंगी, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यार ये मोहम्मद अली क्या कह रहा है, फिर समझा दें भाई। क्या फिर क्या समझा दूं, तुम कहां चले गए थे, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, समझा ही तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं। बोलो भाई मोहम्मद अली, बोलो क्या कह रहे हो, ये समझा ही तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं। अरे तो क्वेश्चन ही तो समझा रहा हूं, क्वेश्चन को फिर समझा दे, तो अभी क्वेश्चन पे तो हूं, अभी तो सॉल्यूशन पे गए ही नहीं भाई, आगे क्वेश्चन ही तो समझा रहा हूं, समझ लो दोबारा। क्या हो गया था, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या हो गया था? अच्छा जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि एक टैंक है, उसके अंदर 3 किलो हवा मौजूद है, 3 किलोग्राम एयर मौजूद है और प्रेशर उसका 18 एटमॉस्फेयर है और उस टैंक का वॉल्यूम 112 लीटर है। अब उसमें कितनी हवा और डाली जाए कि प्रेशर उसका बढ़कर 21 atm हो जाए, अज्यूमिंग नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट रहेगा। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि टैंक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, टैंक में वॉल्यूम कम ज्यादा नहीं होता क्योंकि उसमें कोई पिस्टन नहीं लगा होता, तो V1 और V2 दोनों 112 लीटर होंगे। M1 पहले हवा उसमें 3 किलोग्राम है और इनिशियल प्रेशर उसका 18 एटमॉस्फेयर है और प्रेशर बढ़ाकर उसको 21 एटमॉस्फेयर तक ले जाना है, तो डेल्टा एम यानी कितनी हवा उसमें और डालनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो बॉयज लॉ है हमारा, हमने देखो यहाँ पे ये कहा है कि बॉयज लॉ सेज इफ टेम्परेचर एंड मास ऑफ गैस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, अगर किसी गैस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहे और उसका मास कॉन्स्टेंट रहे तो प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली वेरिएटेड होते हैं, यहां तक तो हमने पढ़ा हुआ ही है। लेकिन बॉयज लॉ इसके अलावा एक और बात भी बताता है जो वैसे बॉयज लॉ में डिस्कस नहीं होती, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम आपको बता रहे हैं। बॉयज लॉ ये भी बताता है कि अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखें और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखें, ठीक है जी, टेम्परेचर और वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखें, तो फिर प्रेशर जो होता है गैस का वो उसके मास से डायरेक्टली वेरिएटेड होता है। जैसे कि मैंने कहा कि भाई ये टैंक है, अब मैंने कहा टैंक है तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा और टेम्परेचर भी कांस्टेंट रखें, गैस को आप मजीद गर्म ना करें, तो फिर क्या होगा कि अगर इसके अंदर गैस मौजूद है
तो अगर आप गैस और डाल देंगे, यानी गैस का मास बढ़ा देंगे, मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे, तो रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा, तो गैस ज्यादा प्रेशर लगाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर गैस का टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाए, तो फिर गैस का प्रेशर जो है वो उसके मास से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी मास बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो बॉयज लॉ जो है वो आम तौर पे तो हम इस तरह बताते हैं, उसमें मास कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। लेकिन बॉयज लॉ ऐसे भी बताया जा सकता है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तो फिर प्रेशर और मास डायरेक्टली वेरिएटेड होते हैं। अब अगर आप बॉयज लॉ की इन दोनों कंडीशंस को कंबाइन कर देंगे, तो ये वन अपॉन वी जो है ये एम से क्या होगा, वन अपॉन वी जो है वो एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह जो आपका ये है पी, ये प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन वी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आप वेरिएशन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट आ जाएगा के, ठीक है जी। P इज इक्वल टू के इंटू एम अपॉन वी हो जाएगा। इस एम अपॉन वी को अगर आप दूसरी साइड ले आए तो ये बन जाएगा, देखो इस तरह से ये बन जाएगा पी वी अपॉन एम इज इक्वल टू के, मतलब कॉन्स्टेंट। अब आप अगर इसको गैस की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे लगा दें, तो इनिशियल स्टेट पे देखो ये हो जाएगा पी वन वी वन अपॉन एम वन इज इक्वल टू के, और अगर इसको लगाओ फाइनल स्टेट पे तो ये हो जाएगा पी टू वी टू अपॉन एम टू इज इक्वल टू के। तो फिर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर लोगे, तो जब आप कंपेयर करोगे तो पी वन वी वन अपॉन एम वन इक्वल आ जाएगा पी टू वी टू अपॉन एम टू के, ठीक है जी। तो फिर आप क्या करोगे कि देखो ये वी वन और वी टू, इन दोनों की जगह तो आप ये 112 रख दोगे, और P1 और P2 की जगह, P1 की जगह आप 18 ATM रखोगे, P2 की जगह 21 ATM रखोगे। इस वक्त आपको ATM को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों प्रेशर P1 और P2 जो दोनों प्रेशर है वो दोनों एटमॉस्फेयर में है, तो आप दोनों एटमॉस्फेयर में ही रख दें। और M1 की जगह आप 3 kg रखेंगे, यहाँ 3 रखें, तो यहाँ से आपका M2 निकल जाएगा, ठीक है जी। ये मैं आपको बताता हूँ, देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे ना, तो इस तरह से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये हमने इधर से इसमें पुट किया, तो ये M2 निकल गया 3.5 kg। इसका मतलब है कि हमें प्रेशर बढ़ाने के लिए 18 एटमॉस्फेयर से 21 एटमॉस्फेयर तक करने के लिए मास 3.5 kg होना चाहिए। इसका मतलब है कि गैस को 3 kg से बढ़ा के 3.5 kg पर ले जाना होगा, तो कितनी गैस और डालनी पड़ेगी, 0.5 गैस। अभी 3 kg गैस है, 0.5 kg गैस उसमें और ऐड करेंगे तो प्रेशर आपका 18 एटमॉस्फेयर से बढ़ के 21 एटमॉस्फेयर पर चला जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई आपको बात? अमीन कहता है कि मास वाला कॉन्सेप्ट फिर समझा दे, समझ नहीं आया। भाई मास वाला कॉन्सेप्ट यह है कि अगर कोई कंटेनर